मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज परिवहन विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 350 एम्बुलेंस सेवा और 50 CNG नगर बस सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए CNG बस काफी काम करेगा। इलेक्ट्रिक बस प्रदूषण कम करने का काम पहले से कर रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि 350 एम्बुलेंस की सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि कोरोना काल में लोगों को एम्बुलेंस की कमी से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लोगों की इस दिक्कत से अब निजात मिल पाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटना के लोगों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने में सहायता भी मिलेगी। सर आज CNG बस का उद्घाटन हुआ सर, कितने बस आगे तो नहीं आ रहा है, उसके पहले तो ऑडियो आ ही नहीं रहा। हम लोग बोल रहे हैं वहाँ पे ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो कैमरा मैन घुसा दे ये काम किया गया, इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं। पिछली बार भी बताया भाई जो इलेक्ट्रिकल बस था और आज भी जो बस किया गया है हर तरह की सुविधा है और का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। बाकी आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गाँव से इतना बड़े अस्पताल उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, कम था। अब उसी को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है पहले से जो योजना बनी हुई है उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक दो लोगों को दिया जाएगा 2 लाख रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये तक की मदद एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है, ये जैसा बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी, एक तो उसको भी देखते हुए और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर एक। और नंबर दो, दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएँ होती हैं और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है, एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी, तो ये शुरू किया गया ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं, तो आज जो ये किया गया है आप जानते ही हैं, सब देखे ही हैं, बहुत अच्छी बात है। और पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है तो आप देख ही रहे हैं, ये भी किया गया। एक सवाल है।